परिस्थितियां बदल भी जाएंगी और कठिन भी हो जाएंगी, क्योंकि वो खेलेंगे अंडर लाइन्स। पिच एकदम सपाट नजर आती है, बैटिंग फ्रेंडली है, यानी कि बोलर्स को करना पड़ेगा परिश्रम। अगर मैं कप्तान होता और टॉस जीतता तो बिना सोचे बल्लेबाजी का करता निर्णय। हेड्स इज द कॉल एंड वी हैव गॉट हेड्स। गेंदबाजी के लिए पिच अच्छी है और टॉस के विजेताओं को यह पता है। बल्ले और बैट के बीच में एक नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए हो जाइए तैयार। सीढ़ी बेटियां बांध लीजिए, अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहां इनको। तो फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक। थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशिश, फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच, हल्की सी थी खता और नहीं खुला खाता। और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम। एकदम जड़ में थी ये यॉर्कर, बल्लेबाज को अता पता नहीं था गेंद। एक बार फिर बेस की पत्तियां चली, बल्लेबाज बाहर की तरफ चला, ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। छल्ले क्रम के बल्लेबाज को ऊपर भेजना सवालों के जवाब पूछने वाले। बहुत आसान सा कैच डीप में, ऐसा लगता है फ्री होम डिलीवरी देकर गए हैं कैच। गोल्ड, एकदम चढ़ में थी ये यॉर्कर, बल्लेबाज को अता पता नहीं था गेंद। गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं, गेंदबाज हैट्रिक पर है। एक छोर पर विकेट के पास विकेट गिरती जा रही है, गेंदबाजी जबरदस्त। पूरी तरह से मैच को किया अपनी टीम के पक्ष में, मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हीं के पास।